हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेरी है कि अगर मैंने एज रिलैक्सेशन लिया हुआ है ओबीसी कैटेगरी से, तो मेरी 25 प्लस है तभी मैंने लिया है, तो क्या अगर मैं यूआर के रैंक में आ रही हूँ तो क्या मेरे को यूआर में कंसिडर किया जाएगा या फिर मुझे अपनी कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। तो इसका आंसर आपको ये पीडीएफ दे देगा, ठीक है। इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो। A candidate of OBC category is selected on his her on merit without availing of any of the concessions or relaxation to which such candidates are entitled to is recommended against unreserved vacancy। मतलब कि जो भी OBC category में जो select होंगे बंदे और उन्होंने किसी भी तरह का relaxation नहीं ले रखा है, किसी तरह की छूट नहीं ले रखी है, तो वो UR में consider किए जाएंगे अगर उनका जो rank है वो UR में आता है तो, ठीक है। लेकिन If any concessions or relaxed standards of selection in applied at any stage of selection process, such candidates will be considered against vacancy reserved for the OBC category only. मतलब अगर वो relaxation ले चुके हैं, कभी तरह का छूट ले चुके हैं और वो उनका जो एज है, जैसे कि रिलैक्सेशन तो हो ही गया कि उनका एज की मैं बात करूँ 25 प्लस वाले बहुत से ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, तो वो सॉरी ओबीसी में ही उनको कंसिडर किया जाएगा, उनका जो सिलेक्शन होगा वो ओबीसी कैटेगरी से ही होने वाला है। तो इसमें यूआर वाले जो भी बंदे हैं उनको फायदा होगा, क्योंकि काफी सारे स्टेट्स में देखा है मैंने कि मान लीजिए कि 70 वैकेंसी यूआर की है, तो उसमें से 15 से 20 लोग तो ओबीसी से ही उसमें जगह बनाए हुए हैं। तो इसमें ये फायदा होगा कि उसमें से जो बंदे 25 प्लस है उनको फिर से नीचे आके अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन मिलेगा, और जिनका मतलब कि जिनका नॉर्मल है जैसे कि 25 एज है जो कि रिक्वायरमेंट की, तो वो ओयूआर की सीट लेंगे, यूआर में उनको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। गाइस, होप आप लोग का ये जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। आप इस बेसिस पे अपने अपने आप रैंक बना सकते हो, रिजल्ट जो भी कल आया उससे अपने अपने जो भी रैंक है उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। पहले आप क्या कीजिएगा कि अपनी जो भी स्टेट है उसको पीडीएफ निकालिए, उसमें देखिए कि आप अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो जैसे कि गुजरात की बात करूँ तो उसमें 59 है जो कि यूआर में है, ठीक है। यूआर की वैकेंसी 59 है, तो उसमें से जो अदर कैटेगरी वाले हैं उनका अगर 59 के ऊपर रैंक है, ठीक है, और उनका उसमें आ गया और उसमें लिखा हुआ भी कि आप एज रिलैक्सेशन लिए हो, लिखा हुआ नहीं, आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको अपनी कैटेगरी से सिलेक्शन मिलेगा, आपको यूआर से कंसिडर नहीं किए जाओगे, ठीक है। तो और भी जो यूआर वाले बंदे हैं उसमें देखेंगे कि ओबीसी वाले तो जगह बनाए हुए हैं जो कि एज रिलैक्सेशन 25 प्लस है, तो वो नीचे आएंगे तो वो जो यूआर वाले वो अपने नीचे भी अपना देखेंगे, यूआर से काउंट करते करते कि 59 पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद वो अपना रैंक उसमें भी देख सकते हैं। ये नहीं जैसे कल मैंने बताया था कि 59 में अगर यूआर का नहीं है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। यूआर का सिलेक्शन होगा अगर ओबीसी वाले 25 प्लस या एससी वाले जो भी है वो उसमें रहेंगे, तो उनका यूआर वाले नीचे भी उनके जो भी मार्क्स है वो आप उससे रियल देख सकते हो, आपका हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो होप आप लोग का जो क्वेरी है वो क्लियर हो चुका होगा, डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।